हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज मेरे या इन सब लोगों के पास में गाइस कुछ भी नहीं है। लिटरली सब लोग खाली हाथ हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 1,00,000 रुपए का चैलेंज, जो कि होगा ₹1,00,000 हॉट एयर बलून चैलेंज, जिसमें इन चारों लोगों को बनाने हैं हॉट एयर बलून्स, जो ऐसा गुब्बारा जो कि भाई गर्म हवा पे उड़ता है। किसी तरीके का हाइड्रोजन या ऐसा चीज यूज नहीं कर सकते जिससे जो बलून है वो ऊपर उड़े, और उसके बाद में जिसका जो बलून है वो सबसे बढ़िया उड़ेगा, यानी कि सबसे ऊंचा या सबसे दूरी तक जाएगा, वो जीत जाएगा 1,00,000 रुपए इन चार लोगों में से। Yes! तो गाइस बहुत सारा मजा आने वाला है। वीडियो के अंदर देखते हैं कौन कैसा बनाता है, इसमें दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा और साइज का भी यूज करना पड़ेगा, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मजा भी बहुत सारा आएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना गाइस। गाइस हॉट एयर बलून साइंस के बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। देखो जो गर्म हवा होती है भाई, सभी को पता है कि वो ठंडी हवा से हल्की होती है, ऊपर उठती है, ठंडी हवा जो होती है वो नीचे की तरफ आती है अगर सेम हवा हो तो। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो बलून है वो भी उड़ता है। हमको एक बलून बनाना होता है, उसके अंदर किसी तरीके से गर्म हवा भरनी होती है और उसकी वजह से जो पूरा बलून है वो नॉर्मल हवा से हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। जैसे पानी के अंदर लकड़ी जब डालते हैं तो ऊपर आ जाती है, ऐसे ही गर्म हवा में बलून ऊपर उठ जाता है। इन लोगों के पास रहेगा 2 घंटे का टाइम। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। गैस का यूज कर सकते हैं? गैस वैस का कुछ भी यूज करो, मुझे नहीं पता, उड़ना चाहिए हवा में। और गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें से शायद चारों का तो उड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हॉट एयर बलून हमने कई बार बनाया है और बहुत ज़्यादा फेलियर रेट रहता है। 10 बार बनाते हैं उसमें 5 ही बार उड़ पाता है, 5 बार फेल भी हो जाता है। देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। दुकान पे मंगा ले भाई साहब, आगो में निकल गो डीजे मार्केट के जाकर। गाइस यहाँ पर ये लोग अब गाड़ियाँ ले के भग रहे। कहाँ जा रहा है? मार्केट। किसका सामान लेने? बलून के लिए। चलो, एक वो अंकित जो है वो शायद गाड़ी स्टार्ट करके भगा रहा है हम पर। कहाँ जा रहे हो? 2 घंटे अब 5 हो चुकी हैं बस। भाई ये लोग गाड़ी ले लेके जा रहे हैं, ये करतार भी। कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ नहीं बन रहा था क्या भाई? ये तो सारे लोग गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, 2 गाड़ियां जा चुकी है, तीसरी लेके जा रहा है, और इस कैंपर में तो 2 लोग गए हैं जो अगली वाली गाड़ी थी उसमें। चलो देखते हैं गाइस ये लोग क्या कमाल करते हैं। 4 लोग हैं, 3 गाड़ियां लेके गए हैं। देखो इनको गाइस, पैसे वाले लोग हैं। गाइस अभी तक सबसे आगे मैं ही हूँ, मैं तो मार्केट भी आ गया हूँ सामान लेने के लिए, वो अभी तक स्टूडियो ही है यार। और गाइस अंकित भी मेरे पीछे पीछे आ चुका है, ये वहीं जा रहे हैं शायद जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और अभी देखते हैं गाइस हॉट एयर बलून मुझे मिलेगा कहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ेगी ढूंढने के अंदर। भाई यहाँ पे मोहित भी देखो, ये देखो भाई क्या लेने आया तू यहाँ पे? तू क्या लेने आया है? पीछे पीछे मैं सामान लेने आया हूँ। पन्नी दे यार, मैंने बहुत पतली वाली, जितनी पतली हो सके ना थायगन उतनी पतली पन्नी दे। तुम्हारे 2 कलर में चाहिए, लेकिन एक तो ये कलर हो गया अपना ब्लू कलर। भाई साहब हॉट एयर बलून मिल जाओगे? एक कलर चेंज हो गया भाई साहब, मुझे भी दे दे यार। कौन सा कलर है ये? सबसे पतली देना भाई साहब। यार इससे पतली नहीं है आपके पास? गाइस हमने पहले भी बनाई एक वीडियो जिसमें हमने हॉट एयर बलून बनाया था, ऑरेंज कलर की पॉलीथिन यूज करी थी हमने। मोहित यहाँ पे मेरा दिमाग खराब करने आ गया है यहाँ पे। गाइस हमको थोड़ा एक तार भी चाहिएगा हॉट एयर बलून बनाने के लिए। भाई साहब ब्लैक हो तुम्हारे? ये सबसे पतली ब्लैक, सबसे पतली है ना, देख लो। अगर हम हार गए तो आपकी जिम्मेदारी होगी भाई, 1,00,000 रुपए का सवाल है। तो गाइस भाई ये कह रहे हैं अगर हम हार गए ना तो भाई देंगे हम 1,00,000 रुपए, ठीक है भाई? तो ये निकाल दो आप। तो गाइस पन्नी हमने ले ली है, अब चलते हैं स्टूडियो में और बलून बनाते हैं। तो गाइस मुझे मिल चुके हैं 4 हॉट एयर बलून। मैंने 4 इसलिए लिए ताकि अगर मान लो गलती से कोई फटवट भी जाए यार दूसरा काम में ले लूंगा। गाइस मैं अपना सारा सामान ले चुका हूँ, अब चलते हैं स्टूडियो और अपना हॉट एयर बलून बनाना शुरू करते हैं। यार बहुत टाइम हो चुका है, आधा घंटा मेरा निकल चुका है सामान लेने के चक्कर में। तो गाइस बबलू को यहाँ लगी थी भूख और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता पानी, बहुत ही समोसा खा रहा है। समोसे दीवार चलेगा। गाइज यहाँ पर ये लोग पता नहीं क्या क्या लेके आए, इतने बड़े बड़े, अरे क्या बंडल लेके आए सारे लोग। गाइज मैं ऑफिस पहुँचने वाला हूँ वापस फिर से, और बाकी लोगों का पता नहीं अभी तक पहुँचे नहीं पहुँचे। तो गाइज मैं तो पहले बनाए लेके आया हूँ, देखो खाम का फालतू तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गाइज इनको मैं छुपा देता हूँ क्योंकि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं लेके आया हूँ। तेरा कौन सा बंडल है इसमें? मेरा तो सीक्रेट है, मैं तो छुपा क्या है भाई। ये लोग जो है पन्नियों के बंडल लेके आ रहे, इतनी पन्नी की क्या जरूरत है? बबलू क्या काट रहा है? अच्छा
गाइस अंकित यहाँ पर ब्लू वाली पन्नी को काटने में लग रहा है, क्या बना रहा है तू? मैं एक वो आता है ना बेंजीन टाइप षटकोण। गाइस अंकित जो है वो बेंजीन बना रहा है, यानी जो बेंजीन रिंग होती है ना कुल मिला के उसके जैसा कुछ बनाना जा रहा है। मोहित यहाँ पर लाल वाली जो पन्नी है उसको काट रहा है, तू क्या बना रहा है? मैं बना लट्टू। और बबलू जो है वो अंदर लगा हुआ है, चलो उसका भी दिखाते हैं वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर इतनी बड़ी पन्नियाँ तीन चार टुकड़े इसने काट लिया भाई, इतनी पन्नियाँ लेके आ गए सारे लोग। और यहाँ पर ये तार है लोहे का, तू क्या कर रहा है अंकित? रिंग बनाऊंगा भाई। कौन सी रिंग? शादी वाली रिंग। किसको पहनाएगा? इसको, मेरे वो टेयर बलून को। इनको 2 घंटे का टाइम मिला था लेकिन कल हम ज्यादा लेट हो गए थे तो रात को नहीं उड़ा पाए थे। बबलू जो है उसने ब्लैक कलर का जो बलून है वो बनाया है सिलेंडर की शेप में बहुत बड़ा। मोहित ने यहाँ पर एक गोल गोल सा जुगाड़ बनाया, भी उड़ेगा तभी दिखेगा, इस बहुत बड़ा है साइज में तो अभी तो दिखाई नहीं सकते। अंकित ने बनाया है एक ऐसा क्या बेंजीन जुगाड़, नहीं नहीं बेंजीन जैसा चौकोर, साइड बदल गई, 8 हो गई, 2 बढ़ गई गाइस। इसने 8 कोने बनाए हैं और ऐसा कुछ डिजाइन का बलून बनाया भी दिखाएंगे। और करतार जो है इसने चीटिंग सी कर लिया गाइस, ये तो तेरा बलून तो दिखा नहीं, ये है इसका बलून जो कि सबसे छोटा है। और गाइस ये जो है बाजार से खरीद के लाया है, लेकिन हमने कहीं रोक टोक रखी नहीं थी कि आप कहीं से नहीं ला सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं बनवा सकते। 2 घंटे का टाइम था, जो करना था कर लिया। चलो गाइस उड़ाते हैं, अब तुम सब लोग नंबरिंग कर लो, ऐसे वाला नंबरिंग कर लो, कौन पहले उड़ाएगा कर लेंगे ये तीनों, मैं उड़ाऊंगा पहला। चलो गाइस अंकित जो है वो सबसे पहले उड़ाएगा 3, 2 नंबर पे, उसके बाद करतार उड़ाएगा, फिर बबलू उड़ाएगा और लास्ट में उड़ाएगा मोहित। चलो जो जीतेगा उन सब लास्ट में, जो जीतेगा वो लास्ट में पता लगेगा कौन जीतेगा, ठीक है। और गाइस हम लोगों ने जीतने का क्राइटेरिया ये रखा है कि किसका बलून बढ़िया से उड़ेगा, किसका ऊपर जाएगा और किसका दूरी भी तय करेगा, ठीक है। तीनों चीजें कंसीडर करेंगे वो तो वैसे समझ में आ जाएगा कि किसका बढ़िया उड़ रहा है। लड़ो मत, उड़ाना शुरू करो। अरे आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा ना सामने, ठीक है, रखो बाकी लोग हटो। गाइस यहाँ पर ये है अंकित का बलून और अब आपको दिखा देते हैं इसने क्या बनाया है। इतना बड़ा इसने जो है इतना बड़ा बना दिया और भाई इसके 8 कोने हैं, देखो ये ऊपर से इसके कोना है, हवा भरने के ऊपर और फ्यूल यूज करने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो यूज करना करो। गाइज यहाँ पर उड़ाने के टाइम पे तो सबको हेल्प करनी पड़ेगी इसकी, तो सब लोग कोशिश करेंगे उड़ाने की। और ये एक्चुअली में इस पे सीधा यहाँ पर फ्यूल डाल के आग नहीं लगा रहा है, पहले इसके अंदर गर्म हवा भरना चाह रहा है, तो वो भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है गाइज। उसके लिए वहाँ पर भट्टी और टॉर्च इसने रख रखा है। और गाइज आपको क्या लगता है ये इसका बलून उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इसकी शेप देखो ऐसे चौकोर सी है, देख अगर जलता है खराब होता है तेरी जिम्मेदारी है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अरे थोड़ा ऊपर कर लो, चलो छोड़ दो, मैं उड़ा तो मैं तो क्या ही कह रहा हूँ भाई। 2, 3 गो भाई, उड़ गया इसका। ओए यार भाई इसका बलून उड़ गया ऊपर, होते जा रहे भाई बहुत ऊपर गया इसका बलून, देखो कहाँ है वो रहा ओए नीचे आ रहा है अंकित, अंकित नीचे आ रहा है या जा रहा है ये? ओए गिरेगा भाई, गिरेगा, बाइक निकालो। ओ तेरी गाइस जो पहला बलून है वो उड़ा था और भाई ऊपर तो बहुत गया था, एक बार तो मुझे लगा कि अब गया ऊपर, लेकिन जो बलून है वो यहाँ के गिर गया है। तो गाइस ये यहाँ पे आके गिरा है, हाँ भाई दनिया आ जा तेरा ले जाओ ये। गाइज अब है करतार की बारी जो कि अपना बाजार से खरीद के लेके आ गया है ये छोटा सा बलून। और गाइज कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ये भी हॉट एयर बलून है, उसके अंदर हमने गर्म हवा भरी तब जा करके ऊपर उड़ा, लेकिन इसके अंदर करतार अकेला ही हवा भर सकता है क्योंकि इतना सा ही है। और इसका फ्यूल भी जो है ये डीजल वीजल नहीं डाल रहा है, ये अपना लेके आया साथ में। गाइज लगभग 150 फीट के आसपास गया था अंकित वाला बलून हवा में, अब देखते हैं करतार का कितना ऊपर जाता है। और दूरी भी इसने जो है लगभग 150 फीट तय करी थी। आदमी चाहिए मुझे, पकड़ो। अरे लगा दो इसके, लगा दो, ले जाएगा, छोड़ दे अरे छोड़ दे यार, उठेगा देखे ये गया भाई, ओ गाइस उड़ गया, गाइस करतार का जो बलून है वो उड़
गया वहाँ पे सूरज की दिशा में, एकदम कुछ दिख नहीं रहा। ओ भाई, ओ भाई जा तो रहा है यार ये। ऊपर जा, ऊपर जा। ओ हो, और ड्रोन से इसकी हाइट और लेंथ देख लेना भाई, कहाँ गया है। गाइज इसका बलून अंकित से तो आई थिंक ऊपर जा चुका है। गाइज इसका बलून कहाँ जाता है वो देखने के लिए चलना ही पड़ेगा। चल भाई चल 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 चल। गाइज करतार का छोटा सा बलून जो है वो, अरे वो वापस गया वो तो यार। गाइज आप देख सकते हो इसका बलून यहाँ पे है, मुझे पता नहीं हम लोग इसको पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे। इसका बलून देखो वहाँ है गाइज। गाइज जो बलून है वो तकरीबन 400-500 मीटर दूर आ चुका है और नीचे आ रहा है वहाँ पे। गाइज जो बलून है वो आ रहा है ऊपर से। एरा हम लोग बलून तक पहुँच चुके हैं और भाई बहुत दूर आ गए लिटरली, और ये जाएगा अंदर। पकड़ ले भाई अंकित, पकड़। वो आया भाई, कितना दूर जो है ये गुब्बारा आके गिरा गाइस। गाइस हमने सोचा नहीं था ये इतना दूर जाएगा, लेकिन हम लोग सक्सेसफुली इसको उठा करके मतलब पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। गाइस अब उड़ेगा बबलू का बलून। करतार का जो बलून है वो गया है लगभग 300 फीट हाइट पे, ऊंचाई पे, और लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पे, जो कि अंकित वाले से तो काफी ज्यादा है। तो अंकित तो हार चुका ऑलरेडी, अब बबलू वाले की बारी है। इसका एक सिलेंडर, इसको फैलाना एक बार। गाइस ये इसने इतना बड़ा एक सिलेंडर बनाया है और ब्लैक कलर का है, तो इसको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बबलू तू संभाल तेरे बलून, उधर उधर उठा उसको। उड़ गया भाई, इतना बड़ा बलून हवा में कैसा दिख रहा है देखो गाइस। और ये तो घूम फिर भी रहा है। ओ भाई, ओ भाई, चलो चलो भाई पकड़ो जल्दी, फास्ट। अब बहुत अजीब दिख रहा है गाइस। बलून है वो वहाँ है, बहुत ऊपर चला गया। सोचो इसका साइज कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये कहाँ पहुँचा हुआ है देखो भाई। और हम लोगों का काम है इसको फॉलो करने का। भी आग लग रही है भाई, दिख रहा है मेरे को अभी तो, आग लग रही है उसमें। करतार से ऊपर गए। वैसे आग लगने कोई रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस हम कोई रिस्क फिर भी नहीं लेना चाहते। अरे उसकी वो जल रही है अभी भी। गाइस ये तो उस साइड में चला गया अभी, और अभी तक बलून हवा में है। ये देखो भाई जो बलून है वो हवा में कैसे टंगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है इसको पकड़ने के लिए हमको खेतों में घुसना पड़ेगा। अभी काफी नीचे आ चुका है। भागो भागो भागो, इसको पकड़ो। और गाइस जो बलून है वो गिरने वाला है बस अब। और ये जो बलून है ये गिरा नीचे, अभी भी फूला हुआ है भाई। ये इतना दूर आएगा ये हमें नहीं पता था, अभी भी बलून हवा में उड़ ही रहा है। और गाइज ये बबलू चला अपने बलून को लेके, और भाई बबलू इसको कैसे घसीट के लेके आ रहा है अपने बलून को। तो जो बलून है भाई ये वाला सक्सेसफुली उड़ा है, ना कहीं से फटा है। उसकी हाइट तो ड्रोन वाले से ही पता लगेगी, लेकिन इसकी जो लंबाई है मतलब दूरी जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ही उड़ के आया है। चलो भाई चलते हैं और आखिरी बलून उड़ाते हैं, बबलू ले आते हैं भाई। और भाई हम लोग कहाँ घूम रहे हैं खेतों में बलून्स को ढूंढते हुए, लेकिन इसमें जो मजा आता है ना वो भी अलग ही आता है कि वहां गया ये रहा। चलो वापस घर चलते हैं भाई। अब मेरा सबसे आगे है, अब मुझे कोई डर नहीं, अब बस मोहित को देखना है। गाइज अब मोहित उड़ाएगा अपना बलून 1,00,000 रुपए के लिए। अगर इसका बलून बबलू के बलून से ऊंचा और लंबा जाता है तो 1,00,000 जीत जाएगा, नहीं तो भाई बबलू का बहुत ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन गाइज अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। गाइज इसको 1,00,000 रुपए की फीलिंग आ रही है, अभी देखते हैं कि इसकी फीलिंग कितनी सही है कितनी नहीं। और भाई सोचो साइंस कितना कमाल कर देता है। पूरे मन से किया था तुम्हारी मोहित का बलून उड़ गया भाई, वो गया। ओ भाई वो गया, बहुत ऊंचा गया। राहुल जल्दी ले जा ड्रोन। जीत गया। ओ भाई गया। भाई बहुत हुआ, अरे बहुत स्पीड से भी जा रहा है इसका बलून। ओए गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी फास्ट। भाई बहुत ऊपर गया देखो। बैठो भाई, बैठो जल्दी। गाइस इसका जो बलून है वो ऊंचा तो उठा है, लेकिन गाइस वहां पर आप लोग देख सकते हैं और ये कभी भी नीचे आ सकता है। मुझे तो लगता है नीचे ही आ रहा है। ये रहा, गिरेगा भाई गिरेगा। आग अभी भी लगी हुई है। ये गिरा भाई मोहित का बलून। भाई गिर गया तेरा, कहाँ जाएगा? गिर गया तुम्हारा। यहाँ पे कैसे गिर गया? मैं जीत गया। तेरे बलून का मुआयना करने के लिए दे, कुत्ते जा रहे हैं वहाँ पे। अरे वो आग बुझा रहा है, इसके बलून पे कुत्ते ने गाय
टांग उठा के काम कर दिया। जा रहा है वो, मैं नहीं भेजा था उसको, भाई उठा के पैंतीस मीटर गया था गाइस। अरे उठा के तो लाओ उसको यार, खेत में पड़ा हुआ है गाइस, वहां पड़ा हुआ है, उसको उठाते हैं। फाइनली जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले उड़ाया था किसने, अंकित ने। अंकित का जो बलून है वो गया था लगभग 31 मीटर ऊंचा, और दूरी जो है वो भी 31 मीटर थी। गाइस करतार के बलून की हाइट गई थी 80 मीटर और जो दूरी गई थी वो गई थी लगभग 400 मीटर। उसके बाद बबलू ने उड़ाया, बबलू के बलून की हाइट गई थी 105 मीटर, 105 मीटर लगभग गाइस 350 फीट के बराबर होता है, और इसकी जो दूरी गई थी वो गई थी लगभग 1.5 किलोमीटर। गाइस मोहित के बलून की हाइट गई है 35 मीटर और जो लेंथ है वो गई है लगभग 50-60 मीटर के आसपास। तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने क्लियर है। इन चारों में से जो सबसे बढ़िया बलून बना है गाइस वो बना है बबलू का, और बाकी लोग जो है वो अपने बलून को लेके अपने घर जाओ, आज से ये पन्नी तुम्हारी हुई। तो गाइस ये बबलू आराम से लेयर तरीके से, ये गाइस बबलू के 1 लाख रुपए, और एक बार तालियां हो गए सभी के लिए, सबने इतना मेहनत करी है इसके लिए। गाइस मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा इस चैलेंज के अंदर। ये जो चैलेंज था गाइस ये अपने आप में बहुत ही मजेदार था, साइंस के ऊपर बेस्ड था, सबको दिमाग लगाना था, टेक्निक लगानी थी, साइंस लगाना था, तब जाकर ऐसा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा, तो वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।